पहले कुछ खवाओ तब बात होए। क्या खिलाते खाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई यमन आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ आपके बीच में। तो भाई पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम चल रहे दशहरा को दिखाने के लिए, क्या तैयारी तेज चल रही है। तो पूरा हर तरफ जाम ही जाम है लखनऊ भैया, ऐसा लग रहा है सब लोग निकल गए रोड पे घूमने के लिए। उसकी गाड़ी चला रहा है मस्त एकदम, और उसके लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी घर पे खड़ी करके और हम लोग बाइक का मजा लेते हैं दोनों लोग सुबह दोपहर शाम। जो जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हमारा लड़का हमारे साथ है, तो अब इससे पूछते हैं कि अगर इसको कुछ खाना होगा तो हम इसको खिला देंगे, कोई यार टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्योंकि तो है ही है। क्या खाओगे आज ये बताओ? अभी देखते हैं। अब इसी में किसी का फोन भी आते हुए, और इसी में एक दोस्त है मेरा, उसका फोन आया है। बड़े दोस्त वाले। हाँ भाई के लिए, और इनके तरह कुछ बदतमीज लोग वहाँ पहुँच रहे हैं पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। क्या क्रिएट करते हैं? न्यूसेंस, बदतमीजी करेंगे ये लोग वहाँ जाके, इसलिए जा रहे हैं। तो हम भी चल रहे हैं, हम तो अपना आराम से घूमेंगे, बस इनका हरामीपन है जो ये हरामीपन करेंगे। तो देखिए आप भी हमारे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ, फुल मजा आने वाला है ब्लॉग में। और शाम का टाइम स्कूटी से घूमने का मजा ही कुछ और है। अरे बुलेट है, बुलेट है। हाँ इनसे कह रहे बुलेट, घर वाले अगर इनको सुन रहे हो तो इनको एक बुलेट दिला दीजिए। नहीं रोज हमसे कहते घर वाले सुन ही नहीं रहे, तो ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोग से कह दूं कि गाड़ी दिलवा दीजिए लड़के को, बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा क्या? पता नहीं क्या किया करते हैं। अच्छा अभी उस दिन तो कह रहे थे पता नहीं घर वाले कब शादी कराएंगे, तो ऐसे कोई हमारा करेगा आके बढ़िया। तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ तो हम है नहीं, हमारा हिस्सा नहीं होगा तुम्हारी शादी। ये बहुत अच्छा लड़का हमारा, शुरू से दोस्त है, तो जब इसकी शादी होगी तो उसमें हमारा भी कुछ योगदान होगा, हमारा भी साथ होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? जाओ फिर। तो ये कुछ ऐसा हाल है जनेश्वर मिस पार्क में दशहरा की वजह से। आधा भीड़ होने की वजह से हमने डिसीजन अपना बदल दिया। तो भाई कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, तो हम जा रहे हैं अभी और आगे, देखते हैं कहाँ और मेला लगा वहाँ घूमते हैं, क्योंकि जनेश्वर पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि अंदर रावण है कि नहीं है। हम तो बस ऐसे घूमने के लिए निकले, तो घूम रहे हैं, अब मेला मिले और चाहे पहले अपने अंदर का रावण मारो तब दूसरा रावण ढूंढना। बातें नहीं करने से होता है, ये चीज़ करनी भी पड़ेगी। इधर चलना है भैया, ऊपर इधर घूमा जाए बढ़िया। ये क्या बाहर मेला लगा क्या? इतनी भीड़ बाहर? हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि हम लोग को जाना किधर है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग अंदर गए ही नहीं, और हम लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे इधर दस नब्बे चौराहे के आसपास। जो लोग भाई लखनऊ से होंगे वो जान गए होंगे कि मैं किधर घूम रहा हूँ। तो घूमते घूमते हम दोनों आ गए फन के पास, पर अभी ये नहीं पता चला कि हम लोग को जाना कहाँ है। हम लोग बस ऐसे चल रहे, पता नहीं क्यों इतनी तेज ये लोग चलाते हैं, अपनी वजह से दूसरे की जिंदगी साले खतरे में डालते हैं। क्यों अब बोल कोई सब? हाँ नो कमेंट, नो कमेंट। तो पूरा सजा हुआ है, तो इतने बड़े बड़े स्टार हो के और कमला पसंद का ऐड कर रहे हैं, क्या बताएगा? नो कमेंट इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास जब पसंद तुम हो तो मैं कार फाड़े रात रहा हो, इसलिए नो कमेंट। तुमने नहीं किया है क्या है बच्चों? ये सब चीज़ हम नहीं किए, छपरी वाली गाड़ी तेज चलाने वाली। तब तो ऐसे लेते ऐसे। अरे अरे स्कूटी है ये, देखो भैया स्कूटी है, धीरे चलो बेटे, धीरे चलो। तो मैं यहाँ तो सारे जगह हम ही लोग घायल हो जाएंगे। आइसक्रीम रोको, खा जाए रोको। हम दोनों की बात हो रही थी, क्या हो रही थी? वे दिवाली मनाने वाले, दिवाली मनाने की बात हो रही थी अयोध्या में। तो ये हुआ कि भाई कुछ भी हो त्यौहार अपने घर पे अच्छा लगता है मनाने में, ये ऐसा मुझसे शोभित ने कहा। तो हम ये कह रहे गाली वहाँ भी घर पे भी सुनना, गाली अयोध्या में भी सुनना, तो चाहे घर रहो चाहे अयोध्या, बात एक है। क्यों? अरे घर की गाली सुनने के लिए। शीशा खोल, बोलो साले शीशा बंद करके बोल रहे, वह भाप जम रहा इनके शीशे पर, और कुछ नहीं। शीशा भी साला नहीं दिखता अंदर साला, ऐसे लोगों में ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती सही से कि आदमी ब्लॉगिंग कर ले बढ़िया से। अब बोलोगे भूल गए? बोल रहे थे ये, तू भी बोल। कचरा भी बोलेगा।
बोले थे बाहर गाली सुनने को बेइज्जती होगी, घर पे सुन लो कोई बाहरी तो नहीं ना सुनेगा क्या भाई। इतनी देर से घूमते घूमते हम लोग जा रहे हैं भूतनाथ की तरफ, जैसे लग रहा है कि हम लोग पूरे लखनऊ का राउंड मारने के लिए निकले हो। पहले उधर गोमती नगर और अब इधर सीधे इंदिरानगर भूतनाथ। इतने बड़े बुद्धि वाले हैं, इतने बड़े बुद्धि वाले हैं ये कि उतना बड़ा गोमती नगर और रास्ते में कहाँ कहाँ सब मेला छोड़ के ये कॉलोनी में रावण ढूंढने निकले हैं कि कोई ना कोई कॉलोनी में रावण जल ही रहा होगा। मान गए गुरु। असल बात इसको जाना है ना एक नेपाली, जहाँ आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा जहाँ ये खाता है माइक्रोनी, उसी को वहाँ इसको जाना है। ये वहीं जाने के लिए बेचैन, वहीं ले जाने के लिए मुझे अब लेखराज के पास ये ले आया। आप लोग को ना यकीन हो रहा हो तो देख लीजिए लेखराज मेट्रो स्टेशन। और फिर से कौन सा गाना था, ये शुभारंभ, ये शुभारंभ, वो शुभारंभ, मंगल बेला आई। तो भाई अब ये पार्कों में उजाला ढूंढ रहे हैं कि जहाँ मेला लगा होगा वहाँ उजाला होगा। मन कर रहा कि वहाँ से खींच के इनको तो फिर ढूंढ के दिखाएंगे अभी तुमको। ढूंढ के क्या दिखाओगे, इनको जाना वही नेपाली को हम मोमोज खाने, घूम फिर के हम उसी के पास पहुँचने वाले हैं। आखिरी में वही रावण दहन हो जाएगा जैसे मोमोज हम लोग खा लेंगे। यहाँ के मार हो गए क्या नहीं बता सा मिलना, हमें लगा मार हो गई। तो चल रहे आराम से, चलो भैया रॉकेट बने हो तो चल रहे। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हम लोग को मिलता है बढ़िया मेला हमारा। मेला दिलो बस ज्यादा नहीं, तुरंत जो काम कर दो बस पूरा करने में लग जाएंगे कि आधा गा दिए तो आधा इनको गाना जरूर है। साला हम ये सोचते मालूम क्या, वो कौन सी ऐसी, देखो बेटा आराम से, अभी फालतू बोल अभी बोल देगा ज्यादा ना सिखाओ। तो ये सोच रहे कि पता नहीं कौन सी घड़ी तुमसे दोस्ती हो गई थी हमारी, उस दिन हमको स्कूल नहीं जाना चाहिए था। ये थर्ड क्लास से हमारे साथ पढ़ रहा, ये हमारे टीम में फेवरेट है, हमारे टीम में तीन मेंबर है। एक अभी गोवा में है हमारा दोस्त, क्यों लखनऊ आने वाला है एक दो दिन में, वो भी चीता है एकदम चीता, वो बिजनेस कर रहा है, वो गया बिजनेस करने, वो थोड़ा नेटवर्क वाले मामले में वो फंसा है, पर वो चीता लड़का है। वो भी सब्जी मंडी में आ गए, सोच रहे हैं मेला लगा है ये, पर यह है बाजार। अब इनको कौन समझा चूतिया दास को। अब ये धीरे धीरे पहुंचने वाला है उसी नेपाली को, अभी दिखाता हूँ आपको, देता हूँ यहाँ ब्लॉक में। साईं बाबा का मंदिर बहुत पुराना, और अब हम पहुंचने वाले हैं उसी नेपाली को। वहाँ जिस चीज के लिए बहुत देर से बेचैन थे, हमने कहा वो बंद होगा बंद होगा, पर ये माने नहीं। और इधर सामने इतना बड़ा रावण, मजाक क्या उड़ा रहे हैं, उतना बड़ा है तो लो बंद है, अब क्या करोगे, अब बताओ अब क्या करोगे, कहाँ खाओगे बताओ। गोमती नगर घूम रहा हूँ, नहीं खवा पा रहे हम। तो तुम गोमती नगर से यहाँ छोड़ के आए हो, देख क्यों रहे हो, कहाँ चले भाई। हम लोग आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर, अब यहाँ दर्शन करके उसके बाद मिलते हैं आपसे। हम मंदिर हो लिए और अब हम दोनों जा रहे हैं, लग रहा वापस घर। यही हमारा दशहरा था इनके साथ, और इनके तरह आदमी साथ रहे तो कोई भी त्यौहार आप नहीं मना सकते हैं, चाहे जितना अच्छा त्यौहार हो, जितने अच्छे मूड से आप घर से निकले हो, पर सब मूड का ये गुड़ गोबर करने के लिए है ना। अरे हमका खवाओ पहले, खूब तेज आँख में तुम्हारे कर से आगे दिखे ना, लेकिन लड़ा दे पहले कुछ खवाओ तब बात होए। क्या खिला दे, खाओगे अब पूछ रहे तो बताओ तो कम से कम, खाओगे नहीं खाओगे बताओ। माइक्रोनी आ गई हमारी, अभी छाप रहे हैं, और इधर हमारा राइस भी बनने वाला है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ से घूम के हम लोग यहाँ पे आके खा रहे, सेक्टर 10 अरविंदो चौकी के पास। नहीं तो बढ़िया बना है दूसरा राइस का है, बता दो बिपिन यादव आए हैं वो देर का है, उसके बाद फ्राइड राइस खा रहा है। हाँ हाँ मुस्कान था इस चीज़ से, अभी तुरंत दिया इसको दुकानदार। खा लेते यार, खाओ मना थोड़ी किए, खाओ। अच्छा एक बार मिला थे जैसे मिला रहे थे बाहर, दादा घर मरी के घर में चावल भूज भूज खा के फ्राइड राइस खाई ये ऐसे मिलोगे इधर देखो तो इधर।
क्या स्विगी वाले बैग देखोगे? अमन बताइएगा, आज इसकी शक्ल वो हरियाणा वाले ताऊ की तरह नहीं लग रही? जो एक है रहने दे यार। तो साथ आके दूध लेने दादा के साथ हम घर के सारे फालतू काम इन्हीं मिले हैं। 4 लीटर दूध जा रहा आज भैया को, आज 4 लीटर दूध जा रहा आज, लग रहा कहीं लंबा हाथ मारे। अरे अच्छा क्या बता रहे थे, पैसा क्या घूस लेते ना? हर जगह हराम का मिल जाए, आदमी सामने वाला भूल जाए, भटक जाए, ना देना पड़े, कहीं गिरा मिल जाए। चलो सोचे, पता नहीं क्या सोच लिए। अपना चैनल बता भैया, एकदम खोल के अब देख रहे हैं फटाफट तुरंत रिस्पॉन्स। आखिरी में ना रावण दिखा ना मेला दिखा, सब कुछ बिना देखे बस हम जा रहे हैं घर, वो भी इसके वजह। अब यहाँ कहाँ रुक रहे हो? अरे अब यहाँ क्या सामान लेना है?